नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रज के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुधारने के लिए मथुरा, वृंदावन एवं गोवर्धन में पीआरटी सिस्टम स्थापित किए जाने के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गोवर्धन, वृंदावन एवं मथुरा में आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए 6,000 करोड़ की लागत से एक वृहद योजना तैयार की जा रही है। ब्रज विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गहन मंथन किया गया। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गई बैठक में स्टेफन होस कोच एवं अल्ट्रा फॉरवर्डेड द्वारा प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि एक कंपनी को इसका प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। पहले चरण में यह योजना गोवर्धन में लागू की जाएगी, इसके बाद गोवर्धन परिक्रमा मार्ग एवं मथुरा के व्यस्तम इलाकों में शुरू की जाएगी। इससे श्रद्धालुओं को आने जाने में लाभ होगा। देखिए, अभी पूरी राज्य की जो परिक्रमा है उसमें एनजीटी के सख्त आदेश है कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। पूरे विश्व भर से लोग गिरिराज्य की परिक्रमा के लिए आते हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के लिए आते हैं, वृंदावन में दर्शन के लिए आते हैं, तो लोगों को कोई असुविधा ना हो इसलिए इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक टेंटेटिव एक प्रपोजल हमारे पास आया है और उसमें पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसको हम कहते हैं। और गोवर्धन में जिस तरह से जाम की स्थिति रहती है जब मेला लगता है गुरु पूर्णिमा का या पूर्णमासी पर या अमावस्या पर, श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा होती है और जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनको भी बहुत असुविधा होती है। तो किसी को असुविधा ना हो और एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोगों को उपलब्ध कराएं, उसी संदर्भ में आज ये